दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन टनल तैयार है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के बहुत करीब है। ये टनल सीमावर्ती इलाकों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। कैसे इस टनल से इस इलाके में बदलेगी वहां की तस्वीर देखिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की बनाई 500 मीटर लंबी नेचीफू सुरंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग की यात्रा। ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। चीन के खिलाफ 1962 की जंग भी यहीं लड़ी गई और पिछले ही साल भारतीय और चीनी सेनाएं तवांग सेक्टर में ही आमने सामने थीं। अब दोहरे सुरंग की दूसरी सुरंग भी बनकर तैयार होने वाली है, जिससे पूरे साल तवांग बाकी देश से जुड़ा रहेगा। As a layman, I would see that it would benefit more. ये इस क्षेत्र में संपर्क के लिए एक बड़ा विकास है। इससे न सिर्फ फौज को फायदा होगा बल्कि आम जनता और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। हमारा यहाँ जो ये रोड है इसका एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, जिसका वजह से क्या होता है कि यूजुअली फॉगी होता है तो रोड एक्सीडेंट और जो डिस्टेंस है बहुत लंबा होता है। तो अभी क्या हो गया कि ये टनल के वजह से क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट विक्सीडेंट होता था वो भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन इससे बड़ी चुनौती अरुणाचल के सेला में 13,000 फुट पर दुनिया की सबसे लंबी दो लेन की सुरंग बनने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ की सेला सुरंग का शिलान्यास फरवरी 2019 में बलिपारा चारद्वार तवांग मार्ग पर किया। ये सुरंग अगली गर्मियों से पहले तैयार हो जाएगी। इंजीनियरिंग के करिश्मे के साथ साथ ये सुरंग जाड़ों में 14,000 फुट ऊंचे सेला दर्रे की चुनौती को भी हल करती है। दशकों तक जाड़ों के 3-4 महीनों के दौरान तवांग में सुरक्षा कर्मियों, हथियारों और दूसरे साजो सामानों को ले जाना बेहद दुश्वार था, लेकिन अब साल भर तवांग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं तो जो 50 डिग्री टेम्परेचर से आया हुआ था, यहाँ पे -20-30 एडजस्ट किया हुआ है और चैलेंजिंग काम किया हुआ है। यहाँ पे बर्फ हमारा 8-6 फुट, 5 फुट, 7 फुट तक बर्फ रहता था, उसमें के बीच में भी काम निकाला हुआ है। काम कभी भी बंद हुआ नहीं है यहाँ, मतलब कंटिन्यू काम चलता रहा। थोड़ा स्लो हुआ, प्रोग्रेस स्लो हुई, लेकिन काम चलता रहा, काम कभी बंद नहीं हुआ। दोहरी सुरंगों से तवांग जाने में 1 घंटे का वक्त बचेगा और हर मौसम में ये रास्ता खुला रहेगा। तवांग से नकुल लाभा के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।